नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उपचुनाव चल रहा है। अभी उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद जिला पंचायत सदस्यों का, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को अच्छी सफलता मिली। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को जीत मिली, बरेली में समाजवादी पार्टी को जीत मिली, अंबेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली, मीरापुर जहां पर उपचुनाव होना है 10 विधानसभा सीटों में से, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को जीत मिली। लेकिन एक चुनाव हुआ है दोस्तों सुल्तानपुर की धनपतगंज ब्लॉक में, और यह था ब्लॉक प्रमुखी का उपचुनाव। क्यों हुआ ये आप जान लीजिए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख यश भद्र सिंह को सजा हो गई 2 साल की, और इस सजा के चलते इनकी सदस्यता भी समाप्त हो गई। और यश भद्र सिंह, सोनू सिंह लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन देते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले से बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी सुल्तानपुर ज़िले में, भीम निषाद को टिकट दिया था, फिर राम भुवाल निषाद को टिकट दिया, कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी सभी के सहयोग से चुनाव जीत गई और पहली बार सुल्तानपुर में जीती। अब जब सुल्तानपुर की धनपतगंज ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, सपा के समर्थित प्रत्याशी के तौर पर यश भद्र सिंह की मां उषा सिंह को मैदान में उतारा गया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्वती सरोज को मैदान में उतारा गया। जब यहां पर चुनाव होता है तो कुल 81 BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य वोट देते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उषा सिंह को केवल 39 वोट मिलते हैं, 81 में 39, और बीजेपी को 42 वोट मिलते हैं, यानी कि 3 वोटों से बीजेपी चुनाव जीत जाती है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, और आप सब लोग जानते हैं, जो उपचुनाव होता है, जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होता है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है, ये सब मेन खेला होता है बाहुबल का। बाहुबली सोनू भी हैं, लेकिन इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के अपोजिट हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि धन बल शासन प्रशासन उसी के साथ ज़्यादा रहता है जिसकी सरकार होती है। लेकिन सरकार रहते हुए भी सोनू सिंह मोनू सिंह ने चुनाव जीता है। तो जिस ब्लॉक पर ये लोग चुनाव जीते हैं धनपतगंज में, हारे हैं समाजवादी पार्टी के तौर पर, समर्थित प्रत्याशी के तौर पर, यहाँ पर आज से नहीं 1984 के पहले से इस भद्र परिवार का कब्जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 1984 में सोनू सिंह के बाबा यश भद्र यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने, 1989 में जब विधायक बन गए तो अपने बेटे को इनके बाबा इंद्र भद्र को ब्लॉक प्रमुख बना दिए, फिर उसके बाद अपने करीबी आद्या प्रधा सिंह को बनाया, कभी श्याम सुंदर सिंह को बनाया, कभी अपनी पत्नी उषा सिंह को बनाया। 2002 में सोनू सिंह विधायक बन गए, और 2002 के जस्ट पहले सोनू सिंह के पिता की हत्या हो गई। 2005 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीते, 2010 में इनकी माता अपनी समर्थक को इन्होंने चुनाव जितवाया, 2021 में फिर चुनाव जीते। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है जब इस परिवार को इस ब्लॉक प्रमुखी पद से पहली बार हाथ धोना पड़ा है, वो भी मात्र 3 वोटों से। आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तमाम खबरें हम आपको लेकर आते रहते हैं। आज मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो इस तरह वीडियो बना रहा हूँ, नहीं बढ़िया फ़ोटो वोटो लगा के हम वीडियो बनाते, हालाँकि फ़ोटो एडिट करते समय कुछ लगा देंगे।